ये है पेज 418 या 19 पे गालबन। जी बेटा अहमद, ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ज्यादातर उसमें आईआरआर को ही टेस्ट किया जाता है। अच्छा जी, मैं बता रहा था टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स में मैंने बताया था, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन दोनों का आउटकम सेम है, तो हम दोनों में से किसी एक प्रोजेक्ट को चूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने बेसिकली डिसीजन मेकिंग करनी है कि इन दोनों में से कोई एक को चूज करना है। अब वो कहता है द रेलेवेंट कैश फ्लो फॉर द प्रोजेक्ट्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, द फर्म हैज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 15%, कैलकुलेट द आईआरआर टू द नियरेस्ट होल परसेंटेज फॉर ईच ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि आपने इसको राउंड ऑफ कर देना है एग्जैक्ट परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। असेस द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ईच प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, उसको उसका डिसीजन लेना है, और बाद में बताना है विच प्रोजेक्ट ऑन दिस बेसिस इज प्रेफर्ड, किसको हमने प्रेफर करना है। ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आईआरआर कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर देखें, गौर करें कि ये आपके पास कैश फ्लोज हैं, इनको सम अप करें तो 1 लाख, 1,20,000, 2,20,000, 8,10,000 के कैश इनफ्लोज हैं, इनको अब अगर आप सम अप करें, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, तो 5 लाख 5 सालों के अंदर 8,10,000 तक पहुंचने में काफी परसेंटेज लगेगी, 10% से ज्यादा लगेगा, प्रोबेबली मेरा ख्याल है 15% से ऊपर ही होगा इसका आईआरआर। तो मैं पहला रेट जो स्टार्टिंग रेट लूंगा वो 15% लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले टेबल बना लेता हूँ, सबसे पहले मैं ईयर्स नोट डाउन कर देता हूँ। ईयर्स हैं जनाब 1, 2, 3, 4 एंड 5, उसके बाद है कैश फ्लो, उसमें पहले साल का है 1 लाख, दूसरे साल का है 1,20,000, तीसरे साल का है 1,50,000, चौथे साल का है 1,90,000, पांचवे साल का है 2,50,000, ठीक है। अब जनाब पीवीआईएफ फैक्टर लेने हैं इसके, काइंडली परसेंटेज 15% के ऊपर फैक्टर लिखवाएं, शाबाश। पहला आया जी 0869, दूसरा है जी 0756, तीसरा है जी 0657, चौथा है जी 0571 और पांचवा है 0497। जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आ जाएगी हमारे पास, कैश फ्लो वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करके फैक्टर वाले कॉलम से, तो पहला आ जाएगा 86,900, दूसरा शाबाश 90,720, दो लोगों ने मुझे बताया, आ गए अगला, तीसरा हो जाएगा 1,30,000, 31,400, अच्छा नहीं ठीक है 98,550, 98,550, चौथा हो जाएगा आपके पास 1,08,490 और पांचवी फिगर हो जाएगी 1,24,250। ये जनाब टोटल करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैंने फर्स्ट रेट अज्यूम किया है 15%। जी इसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस का सम 5,05,910, 5,05,910। तो जनाब ये मेरा अंदाजा काफी करीब निकला कि 15% से ज्यादा है, क्योंकि ये 5,05,910 आया है, तो आप 5 लाख माइनस करेंगे तो थोड़ी सी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इससे थोड़ी सी ज्यादा है बस हमारी एनपीवी, वो है 5,910 पॉजिटिव एनपीवी आएगी, एनपीवी एट 15%, ठीक हो गया। 5,08,910 है, कंफर्म करो नवीद, कोई और काउंटर यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। अच्छा जी 5,08,000 कंफर्म किया गया, मैं दोबारा लिखता हूँ, 910 नहीं, वो कह रही है 954 है, फरा कह रही है, फरा बेटा आपने ना वो किया होगा डेसिमल का कोई फर्क होगा, इतना फर्क नहीं है, 40-45 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5,08,910 तो हमारे पास आ जाएगा 8,910, ठीक है आपका भी फरा, बस राउंडिंग ऑफ का कोई डिफरेंस है, बाकी ठीक है। तीन चार लोगों ने मुझे 5,08,910 कर दिया 3 डिजिट्स के साथ, ठीक हो गया। अब ये पहला रेट हमने अज्यूम कर लिया, अब मैं क्या करने लगा हूं,
दूसरा रेट अज्यूम करने लगा हूँ, सेकेंड रेट अजम्पशन जो है वो मैं करने लगा हूँ, और वो अजम्पशन मैं कर रहा हूँ 20% की, क्योंकि 15 पे पॉजिटिव आया तो जारी बात है ये 20 पे नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव है PVIF, और यहां पर मैं 20% का रेट ले लिया, ठीक हो गया। फैक्टर बताएं, पहला 0.833 आएगा, उसके बाद 0.694 है गालबन, कंफर्म करते जाएं साथ साथ। जी शाबाश, 694 के बाद तीसरा फैक्टर है 0.578, तीसरा चौथा फैक्टर है 0.513 है शायद, 482, 0.482, और पांचवा फैक्टर है 0.401। जी जनाब, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ले लेते हैं इसकी भी, ये कैश फ्लो वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे 20% वाले फैक्टर वाले कॉलम से, तो पहला तो आ जाएगा 83,300, दूसरा आ जाएगा, जी साथ साथ कराते जाएं, 83,280, तीसरा आ जाएगा 80,000 समथिंग, ये भी मुझे लगता है 86,700, उसके बाद चौथा 0.482 के हवाले से 1,90,000 को मल्टीप्लाई कर दें, 91,580, और लास्ट आएगा 1,250। जी प्रेजेंट वैल्यू करें, शाबाश, सम प्रेजेंट वैल्यू का कितना आ रहा है, 4,55,110 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख, सॉरी सर वो 444 है, 55 नहीं है, 45 है, वो टाइप 45, 4,451, अच्छा ठीक है, करेक्शन जनाब, इसीलिए मैं कहता हूँ काउंटर कंफर्म करते जाए करें साथ साथ, 4,451,010। तो जनाब 5 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, नेगेटिव में एनपीवी आ जाएगी हमारी, एनपीवी एट 20% नेगेटिव में आ जाएगी हमारी, माइनस डॉलर ये आ जाएगी कोई 54,890, 54,890, 54,890 है जनाब आपके पास हमारी एनपीवी आ गई। अब इसकी बेस पर हम आईआरआर कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इस तरह के आईआरआर इज इक्वल्स टू लोअर रेट, लोअर रेट हमारे पास होगा यहाँ पर अल्लाह भला करे 15% का 0.15 प्लस लोअर रेट की एनपीवी 8,910 डिवाइडेड ये बाय फैक्टर जरा लोअर। रिपीट कर दें, जी कैसर बेटा क्या, कौन फैक्टर जरा रिपीट कर दें, 20% वाला समझ नहीं आया, बेटा इसमें क्या समझने वाला है मुझे, कौन सी पार्ट नहीं समझ आया, ये जो पीवीएफ ऑफ सीएफ निकाला सर इसकी अमाउंट, बेटा सिंपल सी बात है, ये कैश फ्लो का कॉलम है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय फैक्टर, जो 20% का फैक्टर है 0.833 उससे मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे निकाला था वैसे ही यहाँ पे निकाला है, सिर्फ यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पर पंद्रह फर्क परसेंट के सर फैक्टर से, इसका जो फार्मूला था, जी कैसर बोले बेटा, सर इसका जो आपने फार्मूला बताया पीवी इज इक्वल टू एफ इनटू 1 प्लस वी माइनस ये वाला फार्मूला सर फैक्टर निकालने के लिए, बेटा वो तो ये पीवीआईएफ फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला था ना, वही सर वही पूछ रहा हूँ, अल्लाह के वली वो ये फॉर्मूला था 1+R^n, वो मैंने ये बताया था कि फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले में या प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में Fv(1+R^n) जो है ना, ये पोर्शन जो है इसको पीवीआईएफ कहते हैं, ये बताया था मैंने, ओके अगर सर 20% है तो इसका मतलब 1+R 20% पुट करके रेस टू पावर, पहला साल है तो -1, दूसरा साल है तो 1+20% रेस टू पावर -2, तो ये वाले फैक्टर जो यहाँ कॉलम में आए हैं ये आ जाएंगे, जी बेटा कैसर, ओके अच्छा जी ये -5,489,000 है हमारे पास, इंटू हायर रेट 0.20 माइनस लोअर रेट 0.15, तो जनाब 0.15 प्लस ये सारा फ्रैक्शन जब हम सॉल्व करेंगे ये 0.13 होगा मल्टीप्लाई बाय 0.
जीरो फाइव ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जी। कितना आंसर आता है सारा प्लस माइनस करने के बाद? फिफ्टीन पॉइंट सिक्स फाइव आंसर आ जाएगा मेरा ख्याल है, 15.65% आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.1565 होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज में 15.65% आंसर आ जाएगा जी। यहां तक कोई इशू प्लीज पूछें, डिस्कस करें, उसके बाद फिर मैं प्रोजेक्ट ए के बाद प्रोजेक्ट बी जो है वो आपको सॉल्व कर दूं। ए पार्ट का आईआरआर आ गया, अब बी प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट एक्स का था ये, सॉरी ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये प्रोजेक्ट एक्स था, अब इसी का ए पार्ट करने लगे हम प्रोजेक्ट वाई के लिए। उसी तरह मैं पहले इयर्स और वो सब कुछ उतार लेता हूँ यहाँ पे। 1 लाख कोई नोट तो नहीं कर रहा था ये, अब सवाल पे फोकस करते हैं। मैं वाई प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज देख के एस्टिमेशन लेते हैं, यहाँ पर 3,25,000 है और कैश इनफ्लोज का सम कर लें 1,40, 1,20 तो ये 2,60, 2,60 में 1,20 ऐड हो जाए, ये 70 और 50 वाला 3,60, 3,60 में 95 ऐड कर लें तो 3,60 में 95 ऐड होंगे तो 4,05,50, 4,55,000 है, तो 3,25 और 4,55 में ज्यादा गैप नहीं है, थोड़ा गैप है, तकरीबन 1,30,000 का गैप है सिर्फ। और 5 सालों में अगर आप 1,30,000 को 3,25 से करें तो 10% भी मेरे हिसाब से ज्यादा लग रहा है मुझे, फिर भी हम 10% से स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इयर्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर हमारे पास सी एफ आ जाएगा जी। काइंडली सी एफ लिखवाए, पहला 1,40,000, दूसरा है 1,20,000, तीसरा है 95,000, चौथा है 70,000 और पांचवा है 50,000। अब पहला पी वी आई एफ जो है वो मैं ज्यूम कर रहा हूँ 10%, ठीक है, पहला पी वी आई एफ मैं ज्यूम कर रहा हूँ 10%, तो 10% से स्टार्ट लेते हैं जनाब, उसके फैक्टर लिखते हैं हम, एक मिनट मैं इसके ऊपर लिख लूं, फर्स्ट रेट अज्यूम्ड, ताकि वो बेवकूफ लोग जो बाद में इसको देखेंगे वो ये ना पूछें सर ये 10% आप कहां से ले आए हैं। 0.909 है पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर है 0.826, उसके बाद तीसरा फैक्टर है 0.751, चौथा फैक्टर है 0.683 और पांचवा फैक्टर है 0.620। शाबाश बेटा, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो लेने के लिए हम सीएफ वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे पीवीआईएफ से, तो पहला आ जाएगा 1,27,260, उसके बाद है दूसरा 99,120, तीसरा है 71,345, चौथा है 47,810 और पांचवा है 31,000 जी। प्लीज काउंटर कंफर्म कर दें अगर सब ओके हैं। सम में फर्क आ रहा है अहमद बेटा, आप कह रहे हो 3,76,000 है, फ्रिया कह रही है 3,22,000 है, मुझे फ्रिया वाला ठीक लग रहा है, तो मैं एक दफा काउंटर कंफर्म करो क्योंकि ये 10% पे नेगेटिव हो जाना चाहिए। 1,27 और 99, ये तकरीबन 2,27 नहीं, फ्रिया बेटा आपके बजाय ना मुझे अहमद वाला ठीक लग रहा है। अहमद वाला ठीक है, तो ये जनाब आपके पास 10% पे एनपीवी आ जाएगी 3,76,535, तो ये आ गया डॉलर 3,76,535।
535। इस 376,535 में से हम माइनस कर देंगे 325,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो हमारी एनपीवी पॉजिटिव आएगी, ये आ जाएगी एनपीवी 10% के हिसाब से, तो ये आ जाएगी, अल्लाह भला करे, आपके पास 51,535 डॉलर, 51,535 की पॉजिटिव एनपीवी। अब पॉजिटिव आई है तो हम सेकंड रेट अज्यूम करेंगे, हायर रेट अज्यूम करेंगे, तो सेकंड रेट की अजम्पशन आ जाएगी हमारे पास 15% की। तो यहां पर अब मैं अप्लाई करूंगा पी वी आई एफ 15%, फैक्टर्स वो अब वही आ जाएंगे इधर पीछे लिखे थे हमने। पहला फैक्टर था 15% के ऊपर 0.869, 0.869। दूसरा था 0.756, 0.756। तीसरा है 0.657, 0.657। चौथा है 0.571 और पांचवा है 0.497। अब प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऑफ कैश फ्लो से, पीवी ऑफ सीएफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अच्छा ये नहीं, ये मुझे लग रहा है ये हमें 15 के बाद 20 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ना ये नहीं कम हुई इतनी वैल्यू कि ये नेगेटिव में जाए, पर लेट सी अगर हो गई तो बच जाएगा टाइम, नहीं तो मजीद 121660 है पहला, दूसरा है 90720, थर्ड है फ्री है। बेटा ये क्या लिखवा रहे हो, 1,10,000 किसका लिखवा रहे हो आप? ठीक है तीसरा लिखवाओ 90720 के बाद, तीसरा 95,000 मल्टीप्लाई बाय 0.657, 62,445, शाबाश फरा बेटा 62,415। पांचवी फिगर होगी 70,000 मल्टीप्लाई बाय 0.571, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 0.571 ये आ जाएगी 39,970, और आखिरी है 31,000। नहीं बेटा 31,000 नहीं हो सकती है, मत 50,000 का 0.497 है, ये 25,000 के आसपास आएगा, 31,000 तो 24,850 24,850, ठीक है 24,850, शाबाश जी जनाब। अब 3,39,615, 3,49,000, थ्री लाख थर्टी नाइन थर्टी नाइन थर्टी थाउजेंड नाइन थाउजेंड देखा ना, अभी भी पॉजिटिव आ गई, हमें मजीद रेट ऊपर ले जाना पड़ेगा। 3,39,000 आगे बोलो वसीम, जल्दी बोल वसीम, टाइम थोड़ा है। 615 615 615 हाँ आ गया। इसमें से जब हम 3,25,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस भी करेंगे, ये फिर भी पॉजिटिव रहेगा, डॉलर 14,615, तो एनपीवी अभी भी पॉजिटिव है 15% में। इसका मतलब है एक रेट मजीद ऊपर जाना पड़ेगा और अब हमें 20% का रेट अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है अब दोबारा हम एक और रेट अज्यूम करेंगे और वो पीवी आई एफ 20% करेंगे। ठीक है इसके फैक्टर वही है जो पीछे निकाले थे, 0.833, 0.694, 0.578, 0.482 और 0.401। तो इसके आप पीवी ऑफ कैश फ्लोज ले लेते हैं मल्टीप्लाई करके आपस में इसी तरह सारे। तो अब हम क्या करेंगे, ये 0.833 को 1,40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,16,620। ठीक है फिर
दूसरे में 0.694 को मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 के कैश फ्लो से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 83,280, 83,280। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.578 को 95,000 से, ये 54,910। उसके बाद 0.482 को मल्टीप्लाई करेंगे 70,000 से, ये कुछ 30,000 के आसपास आ जाएगी फिगर, 33,740। और लास्ट है 0.401 को मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, ये 20,200 आ जाएगा मेरे हिसाब से, 20,050। ठीक है 20,050, ठीक है 20,050 जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस का सम ले लेंगे हम एनपीवी एट 20% लेने के लिए जी। प्लीज डॉलर कितने आते हैं? अब ये आएगा 3 लाख से काफी कम हो जाना चाहिए। क्या 3,08,600 3,25 से कम हो गया ना? 3,08,600। तो जी इसमें सर, जी माइनस कर देंगे 3,25,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो ये नेगेटिव में एनपीवी आ जाएगी। एनपीवी 20% आ गया जनाब नेगेटिव में, माइनस 16,400 डॉलर 16,400, ठीक हो गया। तो ये एनपीवी नेगेटिव आ गई 16,400। अब हम जो पहला रेट है ना इसको इग्नोर करेंगे, ये 10% को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि अब जो हमारी रेंज है ना आईआरआर की रेंज सर, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो उधर वो अगर 15 और 20 मींस के के नहीं दरमियान। आती परसेंट? हाँ तो करते रहेंगे बेटा, फिर दोबारा अज्यूम करेंगे एक और रेट, अज्यूम करेंगे रेट, ठीक है इसको इग्नोर करें। अब हमारे पास जो ये सेकंड रेट था ये फर्स्ट बन जाएगा, और ये हमारा सेकंड रेट बन जाएगा नेगेटिव एनपीवी वाला, हायर रेट बन जाएगा। अब मैं आईआरआर निकाल, बेटा अली आप 10 दफा ये काम कर सकते हैं, जब तक रेट नहीं आएगा रेट अज्यूम कर, बट पेपर के अंदर कोशिश करें कि जिस तरह अभी हुआ है कि 2 से 3 रेटों के अंदर आ जाए रेट, अदरवाइज फिर मुश्किल होती है। लोअर रेट है जी जी सर, 0.15, इसको सॉल्व करें जल्दी से, 14,615। टाइम मैनेज नहीं ना होगा, बाकी सवाल भी तो करने हैं। 615 माइनस इंटू ब्रैकेट माइनस 16,400, फाइनल आंसर बताएं, टाइम कम है क्लास खत्म हो जाएगी।